आपको पता है कि फ्री फायर में आईडी दो तरीके से बैन होता है। एक होता है टेम्पोरली बैन जो कि 2-3 दिन का होता है, एंड एक होता है परमानेंट बैन जो कि हमेशा के लिए होता है। एंड ऐसा क्यों कि कुछ लोगों के साथ बस जो है टेम्पोरली बैन ही लगता है, एंड ऐसा क्यों होता है कि भाई किसी का आईडी परमानेंटली बैन हो जाता है, एंड आखिर इस बैन हुए आईडी को अनबैन कैसे कराते हैं वो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड ये 100% लाइव प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का फ्री फायर आईडी परमानेंटली बैन हुआ था लेकिन 20 दिन बाद वो खुद अनबैन हो जाता है। तो फिर ऐसा क्या क्या मैंने उस 20 दिन के अंदर जो कि वो खुद ही अनबैन हो गया वो सब आपको पता चल जाएगा। फ्री फायर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है, उसमें से जो है मेजर प्रॉब्लम आता है रीडिंग गेम इन्फो प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कभी कभार जो है आपका गेम अचानक से बीच में जो है यहाँ पे लॉबी में दिखा देता है भाई रीडिंग गेम इन्फो। एंड इसी तरीके से फ्री फायर मैच मेकिंग प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिलता है, फ्री फायर टीम डज नॉट एक्सिस्ट ऐसा करके भी आपको जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, कभी कभार आपको फ्री फायर हीरो डाउनलोड देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है एक है, एंड वो एक सीक्रेट सॉल्यूशन है। अगर आप उस ट्रिक को कर लेते हो कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रॉब्लम जो है भाई नहीं होंगे आपके साथ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बिग प्रॉब्लम्स इन फ्री फायर। नंबर 5 पे आता है फेक डैमेज प्रॉब्लम। आप में से काफी सारे बंदे देखे होंगे कि अभी भी लोगों को फेक डैमेज पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर भाई ये फेक डैमेज पड़ता ही क्यों है, मतलब रीजन क्या है। तो जब आपका नेटवर्क सामने वाले से स्लो रहता है, मींस जो है आपके ओपोनेंट का नेटवर्क काफी ज्यादा हाई है आपको पता नहीं है, एंड आपका जो है थोड़ा सा स्लो है, आपको तो लगेगा नॉर्मल पिंग ही चल रहा है भाई क्या ही नेटवर्क स्लो है। लेकिन गाइस अगर उस ओपोनेंट का मतलब सामने वाले ओपोनेंट का आपसे भी कम पिंग चल रहा हो एंड नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा हो तो ऑब्वियसली आपका नेटवर्क तो स्लो ही हुआ ना उस सिचुएशन में। एंड फेक डैमेज पड़ने का दूसरा रीजन ये है कि भाई सामने वाला ओपोनेंट जो है काफी ज्यादा स्पीड खेलता है। ये चीज आप नोटिस करना भाई, अगर आप यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत स्लो खेल रहे हो, आपका इतना मूवमेंट वगैरह नहीं है, ग्लोबल स्पीड नहीं है, एंड अगर आप फायर करते हो देन जो है काफी ज्यादा चांसेस रहता है कि आपका फेक डैमेज पड़ जाए सामने वाले एनिमी का, क्योंकि सामने वाले एनिमी तो काफी फास्ट खेल रहा है, वो भाई बहुत तेजी से ग्लोबल लगा रहा है, बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है। तो अगर आप फास्ट खेलते हो तो आपका जो है फेक डैमेज पड़ने का चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाता। तो पहला स्टेप ही यही है कि आपके नेट को फास्ट कर लो या फिर खुद थोड़ा सा फास्ट खेल लो, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा फास्ट खेलोगे सामने वाले एनिमी से देन आपका फेक डैमेज का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एंड दूसरा स्टेप ये इसे सॉल्व करने का कि अगर आप मोबाइल डेटा से खेल रहे हो तो भाई आप वाईफाई से खेलो। अगर आपके घर पे वाईफाई नहीं है तो भाई जाओ आपके किसी दोस्त के घर पे वाईफाई हो तो वाईफाई से खेलोगे देन काफी ज्यादा कम चांसेस होता है कि भाई आपको फेक डैमेज पड़े, क्योंकि वाईफाई का नेटवर्क फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मोबाइल डेटा। एंड अगर आपके पास दोनों ही वाईफाई एंड मोबाइल डेटा भी है ठीक है, तो आपको क्या करना है दोनों को ऑन करके रखना है एंड गेम के सेटिंग पर आपको जाना है। एंड यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग पे जाने के बाद दिखेगा ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। जैसे इसको ऑन करोगे क्या होगा कि भाई आपका वाईफाई का नेटवर्क एंड मोबाइल डेटा का नेटवर्क दोनों एक साथ जो है कंबाइन हो जाएंगे एंड आपको एक फास्ट नेटवर्क देंगे गेम के अंदर। तीसरा जो सॉल्यूशन है फेक डैमेज को कम करने का भाई ये है कि अगर आपके पास बस मोबाइल डेटा ही है एंड वाईफाई नहीं है तो आप यहाँ पे जो है अगर आप जियो सिम यूज करते हो देन आप कॉल करके भी गेम को खेल सकते हो, ठीक है, आपका कॉल पे भी नेट चलता है। अगर आप जियो सिम यूज करते हो एंड आपका मोबाइल डेटा जो है बहुत स्लो चल रहा है तो आप भाई किसी को कॉल लगा लो एंड फिर आप जो है अपने मोबाइल डेटा को यूज करो, आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे आपका नेट फास्ट होने लगा है पहले से। एंड ये चाहे आप यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो या फिर आप गेम खेल रहे हो, ये तीनों में ही काम करता है। तो भाई क्या आपको टूर्नामेंट खेलकर पैसे कमाना है, टूर्नामेंट खेलकर आपको फ्री फायर में फ्री डायमंड्स लेना है, तो मेरे स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स तैयार हो भाई एक शानदार ऐप के बारे में जानने के लिए जिसका नाम है खिलाड़ी अड्डा। खिलाड़ी अड्डा में आपको जो है फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स का फुल मैप कस्टम देखने के लिए मिलता है। एंड यही नहीं, यहाँ पर आपको क्लैश स्क्वाड के भी हर 5 मिनट में टूर्नामेंट होते ही रहते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट विनिंग प्राइजेस, जैसे कि आप डेली 2000 से 5000 तक आराम से जीत सकते हो। एंड आपने टूर्नामेंट तो आपस में बहुत सारे खेले होंगे पर प्लेयर्स को प्रॉब्लम आती है सपोर्ट की, कभी आईडी पासवर्ड की दिक्कत, कभी विनिंग अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो इसी बात का ध्यान रखकर खिलाड़ी अड्डा ने अपने कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाया है। रात को 12 बजे भी अगर टूर्नामेंट खेलते हुए आपको कोई दिक्कत आती है तो तभी आपका क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम आता है कि हैकर आ गया गेम में भाई मार के चला गया तो क्या करे भाई, बहुत लोग चिंता करते हैं, तो इसको भी देखकर जो है खिलाड़ी अड्डा ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। वो हैकर क्लिप को रिकॉर्ड करके बस आपको सपोर्ट टीम को भेजना है, अपना एंट्री फीस भी वापस ले लो। देखो खिलाड़ी अड्डा पर हर महीने 1000 से भी ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट हो रहे हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैरायटी ऑफ कॉन्टेस्ट। आप खिलाड़ी अड्डा में सर्वाइवल बैटल, स्नोक ऑफ बैटल, अनलिमिटेड एमओ बैटल, डायमंड विनिंग बैटल्स भी खेलकर आराम से जीत सकते हो। तो देर किस बात की है, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो और हाँ मेरा रेफरल कोड यूज करना जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अड्डा 20, ताकि फर्स्ट मैच आप फ्री में खेल सको।
नंबर चार पे आता है ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप में से 99% प्लेयर्स को जो है गेम के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलता ही है। उनमें से जो मैं आपको बता देता हूँ, रीडिंग गेम इन्फो प्रॉब्लम, जो कि आपका जो है यहाँ पे रीडिंग गेम इन्फो दिखाता है, गेम नहीं चलता है, ठीक है। फ्री फायर के अंदर आपको मैच मेकिंग प्रॉब्लम्स भी होता है, जैसे आप स्टार्ट करते हो भाई बीआर या फिर सीएस, आपका मैच मेकिंग ही नहीं होता, ठीक है, स्टार्ट ही नहीं होता मैच। एंड कभी कभी आपको टीम डजंट एग्जिस्ट भी दिखा देता है। एंड भाई एक और प्रॉब्लम आता है जो कि फ्री फायर के अंदर आपको हीरो डाउनलोड का भी जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। अभी देखो ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये सब का सॉल्यूशन एक ही है, ठीक है। जो सॉल्यूशन बताऊंगा ध्यान से सुनना है, अपने डेटा या वाईफाई को जो है ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ट्राई करके कि क्या कोई चेंजेस आ रहा है या फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है। देन आपको थर्ड स्टेप पे जाना है जो कि है भाई आपका फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे ही आप लोग फ्लाइट मोड को ऑन करोगे आपको तुरंत ऑफ नहीं करना है, थोड़ा देर आपको रुकना है, 30 सेकंड तक आपको एटलीस्ट रुकना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ऑफ करना है। एंड इसे करने से भी जो है आपका नेटवर्क फास्ट हो सकता है, जो कि अगर ये करने से भी ठीक नहीं होता है देन आपको जो है ये एडवांस स्टेप ट्राई करना चाहिए, जो कि है फ्री फायर के सेटिंग में जाके आपको जो यहाँ पे क्लियर कैच का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जाकर इसको क्लियर कर देना है। एंड एक और जो है आपको रिपोर्ट नेटवर्क इशू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी आपको रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपको DNS यूज करना है। अभी देखो DNS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपके फोन के सेटिंग में जाना है एंड आपको जो है DNS सर्च करना है। एंड फिर आपको नीचे प्राइवेट DNS का ऑप्शन लास्ट में दिख जाएगा जो कि ऑफ रहेगा, तो उसको क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रोवाइडर होस्ट नेम को क्लिक करना है एंड dns.google.com ये लिख के आपको बस सेव कर देना है। एंड अगर आप सारे स्टेप सही से फॉलो कर लेते हो देन ये सारे प्रॉब्लम आपको गेम के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा दोबारा से। तीन नंबर पे जो प्रॉब्लम आता है ये ऑलमोस्ट 100% बंदों को ही देखने के लिए मिलता है, जो कि 999+ पिंग प्रॉब्लम। आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं जो यहाँ पे डेटा कंज्यूम करते हैं, खासकर तो वो एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल फोटोज हो गया, ठीक है भाई, एंड व्हाट्सएप हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अंदर ही अंदर डेटा कंज्यूम करता रहता है, कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता है, कुछ ना कुछ डाउनलोड करता रहता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे तो डाउनलोड करते हैं लेकिन जो गूगल फोटोज है ये अपलोड करता है, आपके फोटोज को, आपके फाइल्स को अपलोड करता रहता है आपको बिना बताए। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड में जो भी चीजें चल रहा है उन सबको चीजों को हटा दो, बस गेम खेलो, ठीक है, उस टाइम पीरियड के लिए। एंड जब आप लोग गेम खेलने के लिए जाओ तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल फोटोज, ये सारे जो है आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। आप सिंपली उनके एप इन्फो में जाके फोर्स स्टॉप कर सकते हो एंड बस गेम खेलो उस टाइम पीरियड के लिए। एंड कहीं पे भी डेटा कंज्यूम नहीं होगा, बस गेम पे लगेगा, तो 99% चांसेस है कि भाई पिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड थर्ड स्टेप जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि गेम के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेटवर्क सेटिंग के अंदर, गेम ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपके पास वाईफाई एंड मोबाइल डेटा दोनों है तो ये दोनों डेटा को कंबाइन करके जो है परफेक्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको देगा। एंड अभी आते हैं नंबर थर्ड का जो प्रॉब्लम है, ये कि भाई बहुत सारे बंदों को हेडशॉट मारने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड परफेक्ट सेंसिटिविटी आप कैसे ढूंढ सकते हो वन टैप या फिर हेडशॉट के लिए, तो सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ सकते हो गेम सेटिंग के अंदर ही, ठीक है। तो जैसे आप लोग सेंसिटिविटी के अंदर जाओगे, ये जनरल एंड रेड डॉट को छोड़कर ये बाकी चारों बिल्कुल काम के नहीं है, इन पर ध्यान ही मत दो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप स्कोप इन करके ना मारते हो एनिमी को, तो मैं तो भाई स्कोप इन करके नहीं फायर करता हूं, तो इसीलिए जो भी बंदा स्कोप इन करके फायर करता है वो अपने हिसाब से इसे देख सकता है, इतना ज्यादा वो झंझट नहीं है। बस इतना समझ लो ये 2x एंड 4 स्कोप का काम ये है कि भाई ये बस जो है जो 2x एंड 4 स्कोप जब आप लोग जूम करते हो तो जब आप स्कोप इन करके दाएं बाएं ऊपर नीचे लेते हो अपने स्कोप को, तो भाई बस ये जो है सेंसिटिविटी यही काम करता है। अगर आप जितना हाई रखोगे उतना जल्दी जो है ये स्कोप इन इधर उधर मूव करेगा एंड अगर आप जितना कम रखोगे उतना स्लो तरीके से मूव करेगा, सिंपल। एंड अभी रेड डॉट का बात कर लेते हैं, तो भाई रेड डॉट का काम ये है कि जब आपके गन में स्कोप लगाने का ऑप्शन तो है लेकिन आपके पास कोई 2x या फिर 4x का स्कोप ही नहीं है, ठीक है, बिना 4x एंड 2x के स्कोप के आप लोग जब जूम करते हो देन भाई कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड इसके अंदर के जो डॉट है भाई इसी को रेड डॉट कहते हैं, ना कि भाई इस वाले डॉट को, ठीक है। तो बहुत सारे बंदों को ये भी नहीं पता कि रेड डॉट किसे कहते हैं, तो जान लो भाई बस ये ड्रैग हेडशॉट के लिए काम करता है। जब आप लोग ड्रैग करते हो ना भाई हेडशॉट मारने के लिए, मतलब स्कोप इन करके, तब ये बेसिकली काम करता है। एंड इसका जो है परफेक्ट सेंसिटिविटी का प्लेस है ये है 60-65, इसके अंदर ही आपको एक परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगा रेड डॉट का, तो आप इसे ट्राई करके ही पता चलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। एंड अभी आते हैं जनरल का, तो 99% जो है चेंजेस करता है सेंसिटिविटी में वो है जनरल वाला सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसको आपको परफेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसको मैं आपको बता दूं, आपको तो सिंपल पता ही होगा
का भाई जनरल क्या काम करता है, जैसे आप कम रखोगे, जितना कम रखोगे उतना ये जो है ड्रैग नहीं होगा एंड हेड नहीं लगेगा, ना ही वन टैप लगेगा ना ही हेड लगेगा। एंड जितना ज्यादा रखोगे उतना फास्ट तरीके से जो है भाई ये ऊपर नीचे होगा, मतलब ठीक है आपका स्क्रीन ऊपर नीचे होगा। बस इतना जान लो कि भाई जनरल जो है आपके स्क्रीन के सेंसिटिविटी को फास्ट या फिर स्लो कर देता है। तो अभी आप लोग पूछ रहे होंगे भाई इसका परफेक्ट सेंसिटिविटी प्लेस क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 65 टू 75 के बीच में इसका परफेक्ट सेंसिटिविटी आता है। लेकिन आपके डिवाइस के लिए कौन सा परफेक्ट सेंसिटिविटी है ये आपको पता खुद करना है ट्रेनिंग खेल के, प्रैक्टिस करके। एंड अभी आते हैं सबसे लास्ट प्रॉब्लम का, जो कि भाई फ्री फायर का मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि है जब आपका फ्री फायर आईडी बैन हो जाता है तो उसे अनबैन कैसे करा जाता है। एंड भाई यहां पे फ्री फायर आईडी बैन दो तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्पररी बैन होता है एक होता है परमानेंटली बैन। मैं आपको बता दूं भाई अगर आपको एक टेम्पररी बैन मिल रहा है तो समझ जाओ कि भाई आपको वार्निंग मिल रहा है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो नहीं करो उसके बाद। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा गलती कर दिए हो देन आपको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा फ्री फायर से। एंड अभी मैं आपको बता दूं भाई मेरा खुद का आईडी जो है यहां पे बैन हो गया था एंड वो परमानेंट बैन था, लेकिन ठीक है टेम्पररी बैन नहीं था। हालांकि मैंने अपने आईडी में कुछ भी यूज नहीं किया था, ना ही मैंने कुछ भी गलत काम किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो मेरा ट्रिक बताने वाला हूं आपको, मतलब कैसे आईडी को अनबैन करते हैं, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप अपने आईडी में कुछ भी यूज नहीं किए हो। सबसे पहले का स्टेप तो ये है कि जब भी आपको लगे कि आपके आईडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ ग्लिच हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है एंड कुछ एबनॉर्मल सा चीजें हो रहा है। मेरे आईडी के साथ यहाँ पे ये हुआ था कि भाई मैं जो गेम के अंदर जा ही नहीं पा रहा था, अटक अटक जा रहा था, ठीक है, बरबुड़ा मैप के अंदर। तो मैंने भाई रिकॉर्ड पहले से मैं ऑलरेडी कर रहा था तो मैंने इसको रोका नहीं, चलते रहने देने एंड वो मेरे को जो है काफी ज्यादा हेल्प किया। वो रिकॉर्डेड क्लिप जो था भाई वो एक प्रूफ के तरह से काम करता है बेसिकली। ये सारे प्रूफ को अभी दिखाना किसको है तो मैं आपको बता दूं भाई ये आपको जो है गरीना सपोर्ट टीम को सबमिट करना है। कैसे करोगे, गूगल पे सर्च करना है गरीना फ्री फायर सपोर्ट, उसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा एंड उसके बाद आपको जो है सारे चीजें यहाँ पे देखना है। इससे आपको डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा तो कंसर्न में आपको बैन अपील को सिलेक्ट करना है एंड उसके नीचे आपको अपना यूआईडी भी डालना है, नीचे निकनेम तो खुद ही आ जाएगा एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि भाई एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या था, पूरा भाई डिटेल में लिखना है, एक भी चीजें छूटना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका टाइमिंग से लेके भाई डेट से लेके क्या क्या चीजें आपके साथ हुआ है सब कुछ आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको ये पैराग्राफ लिखने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे जो है आपको प्रूफ्स भी सबमिट करना है, ठीक है, प्रूफ जो आपने रिकॉर्ड किए थे। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस है कि भाई आपका आईडी अनबैन होगा, अगर आपके पास प्रूफ है तभी होगा। देखो मेरे पास जो है प्रूफ था इसीलिए जो है यहाँ पे आईडी अनबैन हो गया बहुत इजी तरीके से। एंड आपको भी जो है यहाँ पे प्रूफ कलेक्ट करके रखना है एंड उसको जो है यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है, फाइल्स के अंदर। तो ये कर दिया आपने, उसके बाद सबमिट कर दो, ठीक है। जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे गरीना सपोर्ट टीम जो है यहाँ पे काम करने लग जाएगा एंड अगर सच में आपने कुछ भी नहीं किया अपने आईडी के साथ तो 100% जो है आपका आईडी अनबैन हो जाएगा अगर गेम ग्लिच की वजह से आपका आईडी बैन हुआ था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो मिलता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।